केदारनाथ का माली आलू को जरा फीके से पकाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डेनो साइंस में। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज की क्लास में हम रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं, ताकि इस तरीके से हम उसको पढ़ें कि उसको हम लाइफ लॉन्ग उसको भूल ना सकें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि यह है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। यह है रिएक्टिविटी सीरीज, इसका मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो है ना, सबसे ऊपर में जो ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है। देसी भाषा में बोले तो ये सबसे ज़्यादा हैंडसम है। अब ये किस तरीके से हैंडसम है वो तो हम अपने जो पहला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैंडसम है कि ये जो नीचे अपने से जो नीचे वाले हैं ना, जो इनसे कम हैंडसम है उनको ये डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वो तो मैटर अलग है, उसको हम अलग से करेंगे। हालांकि तब तक के लिए आप ये याद कर सकते हो, और किस तरीके से वो हैंडसम है, किस तरीके से दूसरे को डिस्प्लेस करता है वो मैटर करता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन? पोटासियम, फिर कौन? सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टीन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इस तरीके से ये इस तरीके के। अब देखो इसका सिंबल लिखा हुआ साथ में, पोटासियम का के, सोडियम का एन ए, कैल्शियम का सी ए, मैग्नीशियम का एम जी, एल्यूमिनियम का ए एल, कार्बन का सी, जिंक का जेड एन, आयरन का एफ ई, फेरस, टीन का एस एन, लीड का प्लम्बम, हाइड्रोजन का एच, कॉपर का सी यू, सिल्वर का ए जी, ठीक है, गोल्ड का ए यू, और प्लेटिनम का पीटी। इस तरीके से लिख रखा है। तो अब देखो मेन ये है कि इसको हम याद कैसे करें, इसको लर्न कैसे करें। तो लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक दे रखा है, यहाँ पे देखो नीचे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो इसको याद करना है कैसे। केदारनाथ का माली आलू को जरा फीके से पकाता है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू को जरा फीके से पकाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सबको बेचकर, ठीक है, इन सबको बेचकर। तो केदारनाथ का माली आलू को जरा फीके से पकाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को बेचकर। तो देखो कैसे होगा इसके अंदर, ये देखो कैसे, केदार, कैसे मतलब पोटासियम का के होता है पोटासियम, सोडियम का एन ए, कैल्शियम का सी ए, केदारनाथ का कालिको, के से कालिको है, फिर सी ए से कालिको, भावनाओं को समझो, ठीक है, मन की आंखों से देखो इसको, सी ए कैल्शियम, ठीक है। इसका एम मैग्नीशियम, एल से एल्यूमिनियम, सी से कार्बन, जेड से जिंक, एफ ई से आयरन, एस से टीन, पी से लेड, सीसा, प्लम्बम, ठीक है, कांच, एच से हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है? पोटासियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटासियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? प्लेटिनम, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर हम पढ़ेंगे इस सबको, हालांकि ये 11th में शायद, जो भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर हम पढ़ते हैं इसको। और आप लोगों को जो रिएक्टिविटी सीरीज जो ये दे रखी है, ये आप लोगों को बेसिकली इसमें पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आप लोगों को ये पूछते हैं, ठीक है। पूछते क्या है, मतलब जो रिएक्शन को कैसे कौन डिस्प्लेस कर सकता है, तो जितना ज़्यादा जो हैंडसम होगा ना वो उतना ज़्यादा उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। और बाकी यदि जिसको यदि और ऐसा समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करके एक बार देख सकता है। और साथ ही वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, इसी तरीके के मज़ेदार ट्रिक्स के लिए। तो हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।